सिंगरौली में आम आदमी पार्टी नगर निगम कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार और कार्य अधूरा छोड़ने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने बताया कि हम लोगों ने 21 दिन पहले नगर निगम आयुक्त को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। उसमें मांग की गई थी कि समस्याओं का समाधान किया जाए, यदि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ है, घरों में बरसात होने की वजह से आज भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। सीवर लाइन के लिए लगभग 2 वर्षों से प्रत्येक वार्ड में खुदाई हो रही है, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाया है। स्वच्छता सिर्फ पेपर में दिख रही है। उतरी मांगों को जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल पे ऐसे ही बैठे मांगे हैं। हमारे नगर निगम क्षेत्र में रोड, नाली, बिजली, पानी, आवास योजना, जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। जो नगर निगम में कमीशन खोरी चली उस कमीशन खोरी पे रोक लगाई जाए। अनेक प्रकार की जब मुद्दों में हम आपको दे दिए हैं ज्ञापन, उसमें सभी शामिल है। जब तक ये मुद्दे पूरे नहीं होंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठे रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।